लॉकडाउन वेडिंग के कारण निटी का सपना रह गया था अधूरा। बताया, अब शादी के इतने सालों बाद करूंगी अपना सपना पूरा। शादी के वक्त निति थी कंफ्यूज। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। हेलो वर्ल्ड, दिस साइड निशा वर्मा, अ वार्म वेलकम टू आवर चैनल द खबरी बाबा। खबरी बाबा का पिटारा खुलेगा तो खबरों का ज्ञान सब में बटेगा। टीवी एक्ट्रेस नीति टेलर ने अपने मैरिटल स्टेटस को अक्टूबर 2020 में मैरिड करके अपने फैंस को शॉक्ड कर दिया था। एक्ट्रेस ने बताया, उन्होंने लॉकडाउन में अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड परीक्षित बाबा से शादी कर ली थी। नीति से हमेशा से धूमधाम शादी करने का सपना देखा था, जिसका पूरा ना होने का उन्हें बहुत दुख है। नीति ने अपने इमोशन के बारे में बताया, जब उन्होंने धूमधाम से शादी करने का प्लान ड्रॉप करना पड़ा और उन्हें एक इंटीमेट लॉकडाउन वेडिंग करना पड़ा। नीति ने बताया, उन्होंने अपने पति परीक्षित को उस समय बोल दिया था कि वो 10 साल बाद उनके साथ साथ फेरे लेंगी, क्योंकि साथ फेरे लेना हर लड़के का सपना होता है। हालांकि नीति ने बाद में फिर सिंपल पंजाबी शादी करने का फैसला कर लिया था, जिसमें बेहद कम लोग शामिल हुए थे। नीति ने आगे बताया कि उन्होंने आनंद करा सेरेमनी के दौरान कुछ भी समझ नहीं आया था, क्योंकि उन्हें पंजाबी नहीं आती थी। नीति ने ये भी बताया कि जब उन्हें हस्बैंड एंड वाइफ बोला गया तो उन्हें नहीं समझ आया कि क्या हुआ। तब परीक्षित ने उन्हें बताया कि उनकी शादी हो गई है। नीति ने अपना रिएक्शन शेयर करते हुए कहा, मैं ऐसी थी कि क्या हमारी शादी हो गई है, ये हो भी गया? और उन्होंने कहा हाँ। फिर मैंने कहा क्या, वेल क्या कहना है आपका नीति के इस वेडिंग स्टोरी पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द खबरी बाबा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।